नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब लव जिहाद के मामले सामने ना आए। पिछले कुछ दिनों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला जरूर सामने आ रहा है, पर उत्तरकाशी में जो हुआ उसने प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नजरें सामने ला दी है। देखिए ये रिपोर्ट। नाबालिग लड़की को भगाने के प्रयास के बाद बड़ा बवाल। गत 26 मई को बिजनौर निवासी जितेंद्र सैनी और उवेश खान ने पुरोला में एक नाबालिग लड़की को भगाने का प्रयास किया, जिन्हें स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने पकड़ा, जिसके बाद पुरोला में मुस्लिम व्यापारियों के विरुद्ध स्थानीय व्यापारियों और स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ा और प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। पुरोला, बड़कोट, भटवाड़ी में मामले को लेकर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों पर धमकी भरे पोस्टर चस्पा कर दिए और उन्हें दुकान खाली करने की धमकी दी, जिसमें लिखा था 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले दुकानें खाली करें। तब से अभी तक पुरोला में मुस्लिम व्यापारियों की एक भी दुकान नहीं खुल पाई है। पुरोला में 30 से अधिक दुकानें पिछले 18 दिनों से बंद हैं, जबकि 14 व्यापारियों ने दुकानें खाली कर दी हैं। 15 जून को महापंचायत अब 15 जून को महापंचायत बुलाई गई है, जिसे कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी मामले में कूद पड़े। उन्होंने मांग की है कि इस महापंचायत पर फौरन रोक लगाई जाए। अब पुरोला में जो मुस्लिम व्यापारी हैं और जिनके अपने मकान हैं, वह भी 15 जून की महापंचायत को देखते हुए कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के घर देहरादून व अन्य स्थानों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा उत्तराखंड से जुड़ा मामला। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से हर दिन लव जिहाद को लेकर कोई ना कोई घटना जरूर हो रही है। यहां तक कि अब ये मामला नेशनल प्लेटफॉर्म तक जा पहुंचा है। ट्विटर पर भी सेव उत्तराखंड मुस्लिम ट्रेंड कर रहा है। 18 जून को देहरादून में मुस्लिम समुदाय की महापंचायत। पुरोला में 15 जून को एक महापंचायत के ऐलान के बाद 18 जून को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी महापंचायत करने का ऐलान किया है। देहरादून में मुस्लिम समुदाय की ओर से 18 जून को महापंचायत आयोजित करने की तैयारी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का कहना है कि संबंधित लोगों को बुलाकर बातचीत की जाएगी, उनकी समस्याओं को सुनने के साथ ही उन्हें समझाया जाएगा। ऐसे में जो भी तथ्य पुलिस प्रशासन के सामने आ रहे हैं उसको लेकर पुलिस प्रभावी कार्रवाई करेगी। इस मामले पर अब पुलिस प्रशासन और शासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब लैंड जिहाद के बाद लव जिहाद पर बिल्कुल सजग हैं और कार्रवाई करने को कह रहे हैं। अब देखना यह है कि 15 जून के बाद ये मामला किस ओर मोड़ लेता है। कैमरामैन आशु के साथ रश्मि पंवार मेहर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।